सामने आई सांप की एक नई प्रजाति जिसकी आंखें हैं गहरे काले रंग की। फोटो गेटी इमेजेस आपको बता दें कि सांप की एक नई प्रजाति को खोजा गया है जिसकी आंखें काली गहरे रंग की हैं। ये सांप इंडीज के जंगलों में छिपे रहते हैं और सांपों का एक बार फिर ठीक से वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। ये सांप जहरीले नहीं हैं और इनका नाम सिनेफाइजर रखा गया है, वो भी एक डॉक्टर डॉक्टर हसामेल्डा जहेरी के नाम पर रखा गया है। तो ये नया सांप कैसा दिखाई देता है? आपको बता दें कि इसकी ये गहरी काली आंखें शायद आप भूल ना सके। जो शुरू में शोधकर्ताओं को इसकी आंख और पुतली के बीच अंतर नहीं पता चलता। इसकी आंखें काफी बड़ी हैं और इसका शरीर 40 सेंटीमीटर लंबा है। सांप का ऊपर का हिस्सा गहरे भूरे रंग का है और नीचे थोड़ी जगह पर पीला रंग है। डीएनए अनुक्रमों से पता चला कि सांप एक जनजाति के अंतर्गत आता है जो सांप के डिप्सिडनी परिवार से और नॉर्थोप्सिनी के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में लिखा है, इन जंगलों की विविधता अभी भी जारी है और अब भी यहाँ नई प्रजातियों की खोज की जा रही है। इस सांप का स्केल पैटर्न भी यूनिक है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन नई प्रजातियों की खोज से हमने कई तरह के नए चीजों की जांच की, उन पर शोध किया ताकि पुरानी जानकारियों में कुछ परिवर्तन किया जा सके और नई प्रजातियों के बारे में और भी जानकारी मिल सके।